हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? हमने पिछले वीडियो में जो किया था, इंग्लिश के हम टेंस शुरू कर रखे हैं, हम सिंपल सेंटेंस को कर चुके हैं, आज हम नेगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। और नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस का रूल पढ़ा था, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अन्य ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम उसके बाद में लगा देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज, ठीक है? ये डू नोट और डज नोट को हम इससे डिनोट करेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका जो नियम बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी डू नोट या डज नोट आ जाएगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये नियम जो है नोट कर लें, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और सबसे पीछे फुल स्टॉप। ये बात आप नोट कर लो कि जहां कहीं भी हमें डू नोट या डज नोट लगाएंगे, चाहे वह नेगेटिव वाक्य हो, चाहे वह इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तो हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? एस या ई एस का प्रयोग जो है वो सिर्फ सिंपल वाक्य के लिए किया जाता है, ठीक है? तो अब डू नोट और डज नोट का प्रयोग कहाँ पे होता है, हम एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं आपको, जिनके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि एस या ई एस के साथ लगाया था। कौन कौन से थे वो? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम करते हैं डज का प्रयोग, ठीक है? और जो बाकी बच गए हमारे, उनके साथ हम करेंगे डू नोट का प्रयोग, ठीक है? तो हम एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, हमने इसको कैसे बनाया था याद है ना? राम रीड्स अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया था, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, एस या ईएस लगा दिया था, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया था हमारा। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव का जैसे रूल है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है नोट, और डू नोट या डज नोट का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? राम, और राम थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा इसके साथ? हाँ, डज नोट। राम डज नोट, और ये भी बताया था मैंने, जहां डू और डज का प्रयोग करेंगे वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? पहली। यस, राम डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है? तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर हमारे पास कोई बहुवचन है, या जैसे फर्स्ट पर्सन के जो सेकंड पर्सन के हैं वो, उनके साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म और डू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई डू नॉट रीड अ बुक, ठीक है? तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम देख लेते हैं। ये है हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी के क्वेश्चन मार्क। जैसे डज राम रीड बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ता है? तो हम डज जैसे आगे ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही बात करें अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो वहां पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब की पहली फॉर्म का, लेकिन इसके अंदर क्या बदलाव होगा, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है। जैसे डज राम नॉट रीड बुक और अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों ही सेंटेंस हमने बना ली हैं। अब हम आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, आपने उन वाक्यों को चारों प्रकार के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में। ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमने चार चार वाक्य लिख दिए हैं, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। लड़की गाना गाती है, इसी का हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया है। यहाँ पे विद्यालय जाते हैं, सिंपल सेंटेंस है, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हमने बनाया है। आप इनको कोशिश कीजिए कि इनको जल्दी से जल्दी इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। और आप जब भी सुबह उठते हो, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं, जब हम उनको बताते हैं या हमारी कोई आदत है उनको बताते हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आप बना के देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, राम कपड़े पहनता है, ठीक है, वे विद्यालय जाते हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे तुम क्या करते हो, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, बहुत सारे वाक्य हैं। तो हम इसका प्रयोग करना सीखा है और आज हम इसका प्रयोग घर में भी डेली लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है।